नमस्ते एंड वेलकम टू इंग्लिश सीखो मास्ट रहो। मेरा नाम विक्रांत महाजन है और आज हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी सेंटेंसेस को कैसे बनाना है और कैसे बोलना है। चलो हम शुरू करते हैं। तो एक ये फॉर्मूला जो स्क्रीन पे है, यही ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, इससे सेंटेंस बनाने हैं। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कौन है, जैसे बिली, रोहन, राधिका, कौन है। अगला आएगा वर्ब, जैसे एक्शन वर्ड, जैसे रन, जंप, शाउट, उसके जैसा। और फिर उसके बाद एनीथिंग, और एनीथिंग का मतलब ये चार चीज़ें। अगर ये आप साइड स्क्रीन में देखो, ये चार चीज़ें वर्ब के बाद आती हैं। ये एक हो सकता है नाउन, यानी पर्सन, प्लेस या थिंग, जैसे क्रिकेट, होम, ऐसे कुछ। एक एडवर्ब हो सकता है, यानी स्लोली, क्विकली, जैसे एक वर्ब लेकिन डिस्क्रिप्शन। और एक हो सकता है एडजेक्टिव, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे स्मार्ट, फास्ट, क्विक। और अगला हो सकता है नथिंग। हो सकता है कि आप एक सेंटेंस बनाओ जिसमें कुछ भी ना हो, जैसे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, जैसे जेन वॉक्स। ठीक है, चलो हम थोड़े सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो सबसे पहले है बिली लाइक्स क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट तो बिली है क्योंकि वो एक आदमी है, और लाइक्स एक वर्ब है क्योंकि एक्शन है। बिली लाइक कुछ चीज़ को लाइक करता है, और क्रिकेट एनीथिंग है क्योंकि अभी इस केस में क्रिकेट नंबर वन हुआ। एक नाउन, एक पर्सन, प्लेस या थिंग। क्रिकेट एक खेल है यानी एक स्पोर्ट है, तो एक वो एक नाउन है क्योंकि एक थिंग है। चलो अब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग इक्वल्स सेंटेंस। चलिए हम एक और को देखते हैं। अगला है रोहन रन्स वेरी फास्ट, यानी रोहन बहुत तेज भागता है। पहले तो सब्जेक्ट रोहन है क्योंकि रोहन एक आदमी है। रन्स एक वर्ब है क्योंकि एक्शन वर्ड है, रोहन कुछ कर रहा है। और अगला एडजेक्टिव है या एनीथिंग है वेरी फास्ट, और वेरी फास्ट एक एडजेक्टिव है क्योंकि रोहन के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चलो फिर से हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग इक्वल्स सेंटेंस। और हमने बोला था कि वेरी फास्ट एक एडजेक्टिव है, तो तीन। चलो आखिरी ये एक सेंटेंस है, राधिका इज एट हर होम। ये थोड़ा लंबा है लेकिन इसे भी हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। राधिका सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक औरत है। अगला इज एक वर्ब है क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग है। और अगला एट हर होम एक एडजेक्टिव है क्योंकि होम एक प्लेस है, तो मतलब ये एडजेक्टिव हुआ, तो हमारा एनीथिंग इस केस में एडजेक्टिव हुआ। तो देखो हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग इक्वल्स सेंटेंस। अब चलो हम थोड़े इसका प्रैक्टिस करते हैं। इस स्क्रीन पे अभी चार सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इन्हें देखिए, लिखिए अपने पेपर पे, और इन्हें बोल और मेरे को बताइए कि कौन इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, और एनीथिंग क्या है, या वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो या कुछ भी नहीं हो। चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ।
ठीक है, हो गया। चलो अब हम आंसर्स देखते हैं। पहला, द टेबल इज स्टडी। तो इसमें टेबल, द टेबल हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि टेबल एक चीज़ है और उसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं। इज़, जैसे हमने पहले बोला था, स्टेट ऑफ बीइंग होता है, तो ये हमारा वर्ब हुआ। आखिरी स्टडी मतलब बहुत स्ट्रांग या ताकतवर, तो ये एक एडजेक्टिव है, तो ये हमारा एनीथिंग हो गया। और हमारा फॉर्मूला यूज़ करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग इक्वल्स सेंटेंस। चलो अगला, द चिल्ड्रन आर लर्निंग। इस सेंटेंस में द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, क्योंकि हम चिल्ड्रन के बारे में कुछ बोल रहे हैं। आर एक एक्शन वर्ड है, क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्ब हो गया। और तो इस सेंटेंस में लर्निंग एक एडवर्ब है। तो अगर हम अपने पिछले पेज को देखें, एडवर्ब नंबर 2 था, तो हम इसे 2 कर देते हैं। और हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग, इस केस में एडवर्ब, सेंटेंस। चलो अगला, माय फादर इज स्ट्रांग, यानी मेरे पिताजी बहुत ताकतवर हैं। इस सेंटेंस में माय फादर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। इज, जैसे हमने पहले भी बोला था, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, तो एक वर्ब है। और स्ट्रांग एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो ये हमारा एनीथिंग हुआ नंबर 3 पे। तो हमारा फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने सेंटेंस बना दिया। ये आखिरी सेंटेंस थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। चलो, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर स्कूल। तो इस सेंटेंस में शी एक सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। इज़ हमारा वर्ब है, क्योंकि इज़ एक स्टेट ऑफ बीइंग है। और द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर स्कूल पूरा एक लंबा सा एडजेक्टिव है, क्योंकि द स्मार्टेस्ट बोलता है कि ये सबसे होशियार लड़की है, और गर्ल क्योंकि वो एक लड़की है, और इन हर स्कूल यानी अपने पाठशाला में। तो हमने फिर से अपना फॉर्मूला यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग, इस केस में एडजेक्टिव, इक्वल सेंटेंस। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस नहीं बनाते हैं, जैसे कोई गलत सेंटेंस हुआ और उसे कैसे देखना है और कैसे फिक्स करना है। चलो, ये है इंग्लिश सीखो मस्त रहो। मेरा नाम विक्रांत महाजन है, और नमस्ते।